ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है ना। ट्रांसफॉर्मेशन अपन फोर्थ एग्जांपल देख रहे थे, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए चलिए नेक्स्ट में बात आती है इसमें, हिज सोरो हिज सोरो इज टू डीप, हिज सोरो इज टू डीप 40 years फॉर टीयर्स। ध्यान देंगे ये एग्जाम्पल क्या है, हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। तो फॉर के बाद में जो टीयर्स है ये नाउन है, वर्ब नहीं है। तो हम इस सेंटेंस में टू को रिमूव करेंगे, दैट स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड सेंटेंस अपन को खुद को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, खुद को फॉर्मेट करना पड़ेगा सेकंड सेंटेंस का, क्योंकि टीयर्स है जो नाउन है, वर्ब नहीं है। तो अपन जो यूज करते हैं कैन नोट कुड नोट जो भी यूज करते हैं अपनी तरफ से, उसमें हमें पूरा ध्यान देते हुए कुछ वर्ड अपनी तरफ से भी जोड़ने पड़ सकते हैं। कैसे इसका एग्जाम्पल बनाया है मैं आपको बताऊं। देखिए हिज सोरो इज टू सो डीप दैट, टू को रिमूव कर दिया सो से और दैट है, दैट के बाद हम क्या यूज करते हैं, ही cannot, he cannot। अब यहां पर जो tears है ये noun है, verb नहीं है, तो verb अपन को खुद को कोई यूज करनी पड़ेगी। ओके देखिए preposition के बाद में tears आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में, तो प्रीपोजिशन के बाद में जो वर्ड है वो नाउन है डेफिनेटली, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग टीयर्स, वी कैन टच एंड सी द टीयर्स, वी कैन टच एंड सी द टीयर्स। ओके एंड सेकंड थिंग इमोशंस आर ऑल्सो नाउन्स, हमारी फीलिंग्स भी नाउन होती हैं, फीलिंग्स नाउन में आती हैं। ध्यान देंगे इस बात का, अच्छी तरह इस बात को आप सोचें भी देखें भी, है ना। तो फीलिंग्स नाउन में आती हैं, ना? जैसे हंसते हुए लाफिंग नाउन है, जैसे लाफिंग इज नॉट इनफ एवरीवेयर, हंसना हर जगह पर्याप्त नहीं होता, तो नाउन होती है फीलिंग्स भी। अब ये नहीं कहेंगे सर फीलिंग्स को टच कर सकते हैं क्या, फीलिंग्स को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनमें टच वाली बात नहीं आएगी, महसूस करते हैं। कोई मुंह लटका के बैठा हो तो फीलिंग दे रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो हम खुद ही पूछ लेते हैं क्या बात है आज ऐसे कैसे बैठे हो, तो पता चला ना, तो फीलिंग इज नाउन। चलिए तो टीयर्स है जो नाउन है। आगे देखिए
कैन नॉट के बाद में हमें अपनी तरफ से वर्ब लेनी है इस पपज के लिए। तो वर्ब क्या लेंगे, एक्सप्रेस, एक्स कैन नॉट एक्सप्रेस इट, सॉरी इट इन टीयर्स। तो सेंटेंस को पूरा बनाया, बोल के देखिए, ही सोरो इज सो डीप दैट, उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, वह आंसुओं से इसे प्रकट नहीं कर सकता, उसका दुख बहुत गहरा है। तो आंसू बहाने मात्र से उसका दुख खत्म होने वाला नहीं है, ये हमें यूज करना। ही कैन, दैट ही कैन तो यूज करते ही थे, टीयर्स है ही अपना, तो एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, ये अपने को वर्ब यूज करनी पड़ती है खुद को। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, एक बार फिर से देखिए इसको, ठीक है। देखिए इसी को आप फिर से लिखें, बाय द वे कोई किसी के माइंड में और कुछ आ जाए तो कैसे लिखेगा, हिज टीयर हिज सोरो इज सो डीप दैट, दैट तक लिख दिया। इसके आगे बाय द वे किसी के माइंड में और कुछ आता है तो दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, इन टीयर्स। किसी ने ये ऐड किया, हिज सोरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, क्लियर। देखिए अब आप हल्का सा अपने तरफ से सोचेंगे, मैं पूछता हूं आपसे, मैं पूछता हूं फर्स्ट टाइप जो कनेक्ट किया उसमें और सेकंड टाइप के कनेक्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस, ये आपको बताना है डिफरेंस क्या है। बताना है का मतलब बताना नहीं है, आपको आइडिया लगाना है, ठीक है, आइडिया लगाना है। बताने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर काम आन पड़ा है तो आप कहीं लोड में आ जाए ना, बी फ्री। दोनों को अपन ने जो स्टडी की है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को पहचानते हो कि नहीं। देखो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट में वर्ब प्रेजेंट में है, फर्स्ट में वर्ब है ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ओके। सेकंड में देखिए इट से स्टार्ट कर दिया, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बी एक्सप्रेस्ड पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपसे क्वेश्चन किया था कि आफ्टर स्टडी आप उस चीज को यूज करने के लिए अपने पास रखते हो या नहीं। This is passive voice. Cannot be expressed. Passive voice. Very nice. Very good. ठीक है, ये passive sentence है और ये active में था, इतना difference है। भाई कोई फर्क नहीं है, किसी ने इसको ऐसे use कर लिया, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया, दोनों correct है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ये तो मैंने बनाया जैसा भी था, सेकंड में अपने आप को आप इन्वॉल्व कर लेंगे कंप्लीट। क्या है वो देखिए, माय हार्ट हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, माय हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स,
फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करें, फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चेंज द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग टू शो एंड फॉर रिप्लेस्ड बाय दैट. आफ्टर देन एक्टिव एंड पैसिव दोनों टाइप से आप इसको. अब वर्ब क्या यूज करनी है वो आप गैस करिए. व्हाट विल बी योर वर्ब अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? गलतियां करिए, मैंने ये बात पहले कही है. आई हैव सेड इट, गलतियां करिए. चले ध्यान दें, जो भी आपने बनाया, कुछ भी बनाया लेकिन बनाया जरूर. माय हार्ट, वॉच, शोफुल. माय हार्ट वॉच शोफुल दैट That. देखिए यहां पे क्या यूज किया हमने, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक इट इन वर्ड्स. स्पीक इट इन वर्ड्स ये तो कर ही सकते हैं. आपने कितना गैस किया वो आप देख सकते हैं. ठीक है, ओके. पैसिव आप यूज कर सकते हैं. अब इजी करते हैं इसको. बाय द वे कोई इसको लेके पजल्ड हो रहा हो कि व्हाट इज दिस मैटर, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात हो तो आप देखिए. इसको मैं फ्री करता हूं. ठीक है, इस सेंटेंस को आप हिंदी में अपने माइंड में रखिए. माय हार्ट वॉज सो फुल, मेरा मन इतना भरा हुआ था. दैट माय हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा मन भरा हुआ था फॉर वर्ड्स बोलने के लिए. मीन्स मेरा मन इतना भरा हुआ था कि मैं बोल नहीं सकता था. तो बोलने के लिए मेरा मन भरा हुआ था, मिंटू से बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी. उसको हमने क्लियर किया है इस सेंटेंस में. इसे हल्के में बोल के छोड़ दिया कि माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, कि कुछ ना कहने के लिए मेरा मन भरा हुआ था. मिंटू से मेरा मन कुछ नहीं करने की सोच रहा था. देखिए, माई हार्ट वॉज सो फुल, मेरा मन इतना भरा हुआ था. दैट आई कुड नॉट स्पीक इट इन वर्ड्स, कि मैं इस बात को शब्दों में नहीं बोल पाया. कोई बात हो, कोई बोलता है तूने बोला क्यों नहीं, अरे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बस बोल नहीं पाया, कि मैं गुस्से में कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ. ये बात हम कहते हैं. कोई बोलता है कि तुझे सच्चाई का पता था, बताया क्यों नहीं उस टाइम में, तो हम क्या कहते हैं, भाई मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं उस टाइम चुप रह गया, मैं बोल नहीं पाया, ऐसा हम कहते हैं डेली. तो ये वही सेंटेंस है. सेकंड टाइप देखिए इसको. कई बार हम कहते हैं कि मुझे ना इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. कई बार कहते हैं हम कि जितना मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है ना आज,
शब्दों से तो मैं कह ही नहीं सकता। इट मीन्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो शब्दों में इसीलिए नहीं आ रही है, नहीं तो शब्दों में समेट के उसको दे देते। ज़्यादा मात्रा है उसके लिए, एक्सेस जिसको हम बोलते हैं। चलिए दूसरा वर्ड देखिए, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट, दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड्स। एक और तरीका है अपने पास में बोलने का, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड्स, मैं कोई शब्द नहीं बोल सका, इतना मेरा मन भरा हुआ था। ये भी इसी के सिमिलर है। और पैसिव आप जानते हो, दैट इट, दैट इट कुड नॉट बी स्पोकन, इट कुड नॉट बी स्पोकन इन वर्ड्स। पैसिव में भी लिख सकते हो आप, इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप, टाइप फिफ्थ है इसके अंदर, इसमें क्या है देखिए, टू हमें मिलेगा, इसके साथ में एडजेक्टिव दिया हो बट सेंटेंस में, बट इन सेंटेंस, सेंटेंस में क्या नहीं हो, इन्फिनिटिव नहीं हो। इन्फिनिटिव नॉट प्रेजेंट, देखियो, बट इन सेंटेंस इन्फिनिटिव नॉट प्रेजेंट, ये रूल है। देखिए टू हैज एडजेक्टिव बट इन सेंटेंस देयर इज नो एनी इन्फिनिटिव, तो कैसे चेंज करेंगे उसको, वो देखिए। He is too eager for praise. He is too eager for praise. देखो टू के बाद eager adjective है, eager adjective है, तो adjective आ गया तो हमें टू infinitive मिलना चाहिए आगे, टू infinitive मिलना चाहिए। क्या होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए, वो नहीं है आगे, तो इसको ज़्यादा चेंज नहीं करते। जो टू है इसको एक्सट्रीमली या ओवर में चेंज कर देते हैं, ओनली बस एक्सट्रीमली और ओवर में चेंज कर देते हैं। तो क्या बना, ही इज ओवर eager
और प्रेज। ध्यान क्या देना आपको, फिफ्थ टाइप में इफ टू हैज एडजेक्टिव विथ इट बट देर इज नो एनी इन्फिनिटिव इन द रिमेनिंग सेंटेंस, आगे सेंटेंस में इन्फिनिटिव ना हो और टू के साथ में एडजेक्टिव हो तो टू को ओवर या एक्सट्रीम में चेंज करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम, ई एक्स टी आर ई एम ई एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रीच, लिख लीजिए इसको, इनको हिंट को है, अपनी लैंग्वेज बनाओ तो लैंग्वेज बना लो, हिंट में लिखो तो हिंट में लिख लो, या फिर मैं बोलूं इफ से स्टार्ट करके, इफ टू हैज एडजेक्टिव विथ इट बट देर इज नो एनी इन्फिनिटिव इन द सेंटेंस देन टू इज चेंज्ड बाय ओवर एंड एक्सट्रीमली, लिख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, यहां सामने यहां पे आप एक चीज और लिख लेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ब्रैकेट में इसको और लिख लेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्या है इसका यूज बता दूं मैं आपको, हमने इसे चेंज किया टू को ओवर या एक्सट्रीमली भी चेंज करके हमने इसको लिखा है। सेकंड टाइप और देखिए इसका, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, टू, सॉरी, ही इज ईगर फॉर प्रेज, टू को हमने यूज नहीं किया यहां पे, ही इज ईगर फॉर प्रेज, अगर ऐसे लिखते हैं हम तो टू के रिप्लेस में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हिंदी मीनिंग वही होता है सभी का, ध्यान देंगे एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हल्के में सोचेंगे इसको, टू को रिमूव करते हैं तो ओवर और एक्सट्रीमली से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ही इज ईगर फॉर प्रेज, अगर टू को ओवर एक्सट्रीमली भी चेंज नहीं करते हैं तो रिमूव करके अपने सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना पड़ता है, एंड यू नो ओवर और एक्सट्रीमली का सिमिलर वर्ड है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी उचित सीमा से बाहर, उचित सीमा से भी ऊपर या बाहर, ओवर या एक्सट्रीमली दोनों सेम है, तो इनको एक्सप्लेन करके वर्ड्स में लिखते हैं तो टू को रिमूव कर देते हैं यहां से। चलिए ये एडजेक्टिव की बात आई थी, टू के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव हो तो, ठीक है, और बिल्कुल इजी हैं, लेकिन हम लोग अब से पहले कभी ऐसा स्टडी किए नहीं थे ना, इसलिए आज हमें ऐसा लग रहा है कि सर तो पता नहीं पिछले एक डेढ़ महीने से क्या स्टडी करवा रहे हैं, है ना, इंग्लिश भी ऐसे लग रही थी कोई फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हो, हमने कभी देखी ही नहीं थी, अल्फाबेट ही पहली बार पढ़ा रहे हो शायद, है ना,
ऐसा लग रहा है, या आपको लग रहा है, और मैं बता रहा हूँ विकास भाई एक्सपीरियंस, कि बच्चे जब ऑफलाइन होते ना तब तक तो क्लास में पूरे बच्चे कह चुके होते हैं कि सर पूछो मत, ये तो ऑनलाइन है इसलिए, तो पढ़ाई नहीं है। कोई आदमी कहता है कि मैं शेर से नहीं डरता, रोजाना कहता है, अरे मैं शेर से डरता ही नहीं हूँ, डेली बोलता है एक आदमी, तो सभी ने क्या सोच लिया कि भाई बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। एक दिन उस आदमी से किसी विद्वान व्यक्ति ने पूछा, विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम पूरी दुनिया में कहते फिरते हो कि मैं शेर से नहीं डरता, मैं शेर से नहीं डरता, क्या एक्चुअल में ये बात सही है? बोल भाई साहब शेर ही नहीं आता कभी सामने, तो कहने में दिक्कत क्या आ रही है? शेर का कभी सामना ही नहीं होता है तो ये बात कहने में दिक्कत कहाँ है? दुनिया मूर्ख है जो कहती है ना भाई शेर से डरना चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज़ है। अरे सामने ही नहीं आता, जिंदगी में रणथंभौर जाओगे नहीं, रणथंभौर नहीं जाओगे तो शेर से टक्कर कब होगी थारी? मस्त बोलो ना, शेर से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता, बात खत्म। तो बात वही है, आप कभी लोड लिए ही नहीं हो तो इंग्लिश कहाँ से आती? अब मैं जान लगा रखा है, मुझे पता है मेरे बच्चों को पूरा नहीं आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा है बच्चों को, बट मैं तो माथा पच्ची करवाऊंगा उनसे, तब जाके आएगा। इंग्लिश में इतनी लोड कभी ली नहीं जिंदगी में जितनी इस पिछले 1.5 मंथ में हमने माथा पच्ची करी है। तो इसीलिए आज जाके कुछ पता लगा है कि इंग्लिश में भी कोई ना कोई वेट वाली बात होती है। इसके बाद जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोड़ूंगा कि आप किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करिए, वोकैबुलरी आपके सामने है, आप आराम से इजीली सेंटेंस बनाएंगे देखना, और आपके सेंटेंस दुनिया देखेगी कि यार इतना गजब कॉम्बिनेशन कैसे बनाया इस बच्चे ने, उसी की माथा पच्ची हमारी ये चल रही है, समझे? अब कोई कहेंगे सर ये कहाँ से लिया है ये वर्ड, ये एक्सट्रीमली अचानक कहाँ से लिया है? भाई अचानक नहीं लाया मैं, आते हैं किसी भी व्यक्ति के स्पीच को हम सुनते हैं। कोई स्पीच दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीच है, कोई बाहर से व्यक्ति बुलाया बड़ी इंस्टीट्यूट से, और वो हमारे सेमिनार हॉल में बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं हम, और वो बड़े बड़े स्पीच मारते हैं। हम लोगों के सुन के उनका स्पीच को हमें ऐसा लगता है, हम क्या क्या बात है यार, क्या बोलता है यार, एक्सीलेंट स्पीच यार, ऐसा क्यों कहा हमने, ऐसा क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जो वर्डिंग उसने यूज की है, जो वोकैबुलरी उसने यूज की है, वो हमने कभी सुनी नहीं थी, इसलिए वो वर्ड्स कुछ उनका वे ऑफ स्पीकिंग बोलने का तरीका ऐसा प्रभावी बना कि बच्चे सारे के सारे बड़ाई करने से रोक नहीं पाए। बात ये होती है, अदरवाइज और कोई बातें नहीं है। मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुनता हूँ, क्यों? अरे अपने से ज़्यादा बड़ा और कौन आएगा मोटिवेटर? जो अपनी ज़िंदगी को खुद संभाल लें उससे बड़ा कोई इस दुनिया में चीज़ नहीं है। तो बात यहाँ आती है, माथा पच्ची करते रहिए, देखोगे कम से कम ये तो कहोगे कि ऐसा सेंटेंस आया था, सर ने कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया था, इतना भी याद रह गया तो समझो बहुत कुछ याद रह गया। देखना इसको क्या है, द वेदर इज टू हॉट, फुल स्टॉप लगा दिया, आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है? टू हॉट तो ये क्या है, विशेषता है, मौसम की विशेषता है, तो हॉट एडजेक्टिव है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, कोई भी अपना वर्ड यूज कर लीजिए, मैंने आपको बता चुका हूँ फील्ड आपके पास है। अब से पहले आप इसे चेंज नहीं कर सकते थे, अब से पहले चेंज नहीं कर सकते थे बिकॉज आपने कुछ सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, बस हो गया बात, यही पे इफेक्ट बनता है। कोई बोलता है द वेदर इज टू हॉट, लिसन, कोई बोलता है गर्मी है, अपन क्लास में आए हैं कहीं से आ रहे हैं तो अरे द वेदर इज टू हॉट यार, कोई बोलता है अचानक कोई आया और वो बोलता है ओह एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, तो कुछ तो ट्यूनिंग बदल दी, एक वर्ड चेंज कर दिया, टू को एक्सट्रीमली कर दिया बस, और कितना गजब बोलता है देखो। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ये हमारे सोचने का तरीका है, और आप भी यूज करो। और आप में से कोई अच्छी ट्यून में बोले तो पड़ोसी इतनी जोर से खींचते हैं कि बेचारा जिंदगी में ना बोले।
अगर डिजाइन में कोई बोलने की कोशिश भी करें हम कि ज्ञान तो है ही, यूज भी कर लें, दुनिया को दिखाना है तो दुनिया कहाँ दिखाएं, पड़ोसी खा जाएंगे अपने को, और ये देखो अंग्रेज कहाँ से आया है, इस चक्कर में हम लोग पीछे रह गए बेटा। और कोई कमी नहीं है हमारी, जितनी ग्रामर किसी को नहीं आती है, किसी को नहीं आती है, हम जितनी ग्रामर, गारंटी के साथ कहता हूँ आज मेरी 11th क्लास को जितनी ग्रामर आती है किसी को नहीं आती। क्यों? 1.5 महीना हो गया माथापच्ची करते हुए, अब हम उसको यूज करने में हिचकिचाते हैं, शर्म करते हैं, तो उसका तो मैं करूँ भी क्या। चलिए बन गया, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, हम एक्सट्रीमली बोलते हैं, एक्सट्रीमली पूरी जान लगा देते हैं, यहाँ से देखो सांस खींचती है अंदर से, एक्सट्रीमली ना उसी लहजे में बोलिए जिस लहजे में इस वर्ड को बनाया है, जान मत लगाइए, खुले बोलिए, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, खुला बोलिए, यानी सांस खींचनी नहीं चाहिए, डिजाइन बन जाएगी, डिजाइन बन जाएगी, सांस को फ्री छोड़ के बोलना शुरू करिए, डिजाइन बन जाएगी, जोर भी नहीं लगेगा, ईजी भी हो जाएगा। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो लोग हमें बहुत बड़े पैसे लेकर के सिखाते हैं, और हम बहुत बड़े पैसे लेकर सीखते हैं, नहीं तो ईजीली भी आ सकती हैं। सिक्स्थ रूल देखिए इसका, ठीक है भैया, सिक्स्थ रूल देखिए, रूल नंबर 6 क्या मिलेगा इसमें, इसमें अपने को मिलेगा 2+ एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव के बाद में सॉरी एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इनफिनिटिव। ये अगर किसी सेंटेंस में यूज कर रखा है, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, इन दोनों में से कोई एक चीज टू के साथ इन्फिनिटिव में यूज कर रखा है, तो उसमें क्या करते हैं हम वो देखिए, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव दोनों चीजों को मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे वो देखिए, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव ऐसे कैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब और इन्फिनिटिव की जगह हम क्या लगा देंगे, एनफ, क्या लगा देंगे, एनफ का यूज कर लेंगे, ये इसका शेड्यूल बनेगा। अच्छी तरह देखें, टू के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव ऑलरेडी हमें मिलता है, तो हम चेंज ट्रांसफॉर्मेशन में एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में एनफ का यूज करेंगे, कैसे वो देखिए, इट इज टू हॉट टू गो आउट। ध्यान दें, रूल कंप्लीट हुआ कि नहीं, टू हॉट एडजेक्टिव इन्फिनिटिव टू गो, क्लियर, देखो टू एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, चेंज क्या करना है, इनफ का यूज करना है चेंज करते समय, तो क्या लिखेंगे, इट इज हॉट एनफ, हॉट एनफ टू गो आउट। अच्छी तरह देखें, इट इज हॉट एनफ टू गो आउट, क्या सीरीज बनी, टू एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, तो हमने क्या यूज किया, एडजेक्टिव के बाद में इनफ को यूज किया बस, और टू रिमूव हो गया, क्लियर, रूल को देखिए। अब ये मत बोल देना कोई भी कि सर ये इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है,
क्यों? क्योंकि मैं उसी ट्यून पे आपको स्टडी करवा रहा हूँ जो चीज़ें पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि पीछे का बैकअप नहीं आ रहा है तो कहें कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोल देना। सेकंड सेंटेंस को खुद करके देख लें, लास्ट टाइम जितना बचा हुआ इसमें इजी हो गया है ना, इसको करें भी क्या गया आप, है ना। द टेबल इज टू हैवी, टू हैवी, टू हैवी, फॉर मी, टू हैवी फॉर मी, टू लिफ्ट, टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। देखो, द टेबल इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। देखो, टू एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव यूज हुआ है तो आप इनफ यूज कर लीजिए। द टेबल इज एनफ हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, एनफ हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक है, ये था आपका टू को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, जिसमें सिक्स रूल यूज किए हमने टू को रिमूव करने के और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के। अब ध्यान देंगे, अगर हमें पहले से ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस दे दिया जाए और कहें कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, तो टू को वापस रिप्लेस करना है, टू को वापस रिप्लेस करके अपनी जगह पे लाना होता है। ओके, ये बात कल करेंगे, आज इतना ही।